नमस्कार किसान भाइयों, मैं बिमलेश आपका अपने YouTube चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हां तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मूंगफली की खेती कब और कैसे करते हैं उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। जैसे भूमि व जलवायु, भूमि की तैयारी, बीज की मात्रा, बीज बोने का समय और जो है निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण तथा कितनी उपज होती है व लागत, इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मूंगफली की खेती की जानकारी देने वाले हैं। नंबर एक, भूमि व जलवायु। जो मूंगफली की खेती होती है इसके लिए जो मिट्टी होती है वो जो है बलुई दोमट मृदा या फिर भुरभुरी दोमट मृदा जो है इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसकी जो खेती होती है वो जो भारी मिट्टियों में ना करें, जैसे काली मिट्टी है या फिर कोई अदर जहाँ पे ज़्यादा भारीपन मिट्टी में हो वहाँ पे इसकी खेती ना करें। इससे होता है कि जो आपके कंद होंगे वो बढ़िया से उनमें पैदावार कम होगी। और इसके लिए जो पीएच मान होता है भूमि का वो जो है आपका 6.5 से जो है 7.5 तक का जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जलवायु। तो जो मूंगफली की फसल होती है ये जो है नम और जो है गर्म, आर्द्र और गर्म जलवायु की फसल होती है। और जो इसके लिए टेम्परेचर होता है न्यूनतम टेम्परेचर 15 से 17 तक का और जो अधिकतम टेम्परेचर होता है इसके लिए 35 से 36 के मध्य तक का जो फसल होती है बहुत बढ़िया सहन करती है और इसमें उसकी उच्च पैदावार होती है। फिर इसके बाद आते हैं खेत की तैयारी। तो जो खेत की तैयारी होती है, किसी भी कंद वर्गीय फसल होती है जो, उसके लिए एक खेत की एक विशेष प्रकार की तैयारी करनी होती है। क्योंकि इसमें जो है आपका बढ़िया खेत नहीं बना होगा तो उसमें जो आपके कंद होंगे उनका जो है बढ़िया से पैदावार, उसमें जो है कंद अच्छे से बैठेंगे नहीं तो अच्छी से पैदावार नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 से 2 जुताई बढ़िया गहरी जुताई कर लें। फिर उसके बाद बढ़िया से खेत में पाटा लगा दें। फिर पाटा लगाने के बाद उसमें जो है आप खाद डालें, जो गोबर की खाद होती है 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई बढ़िया से गोबर की खाद, और उसके साथ में आप ट्राइकोडर्मा की 4 से 5 किलोग्राम मात्रा ले लें। उसको बढ़िया से खेत में बढ़िया से बिखेर दें। फिर उसके बाद 1 से 2 जुताई फिर हैरो या कल्टीवेटर से करें। फिर उसे पाटा लगाकर किसी ऐसे यंत्र से जुताई करें जैसे रोटावेटर हो गया, ताकि जो मिट्टी होती है बढ़िया से भुरभुरी हो जाए। फिर उसके बाद जो है कूड़ बनाकर बेड्स बनाकर फिर मूंगफली की बुआई करें। फिर इसके बाद आता है बीज की मात्रा। तो मूंगफली जो होती है इसके लिए जो है 80 से 100 किलोग्राम बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होते हैं। और जो ज़्यादा फैलावदार होती हैं वैरायटियाँ उनके लिए जो है 60 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त माने जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बीज मतलब बुआई का समय। तो मूंगफली की जो खेती होती है वो सभी ऋतुओं में वैसे तो की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है इसे खरीफ के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मतलब परचेज करते हैं, बोना पसंद करते हैं। तो इस टाइम जो होता है आपका जून से जुलाई के मध्य जो होती है इसकी बुआई बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बुआई की विधियाँ, तो मूंगफली जो है बहुत से किसान इसको जो है बेड बनाकर बढ़िया से बुआई करते हैं, और ज़्यादातर किसान जो है इसे समतल भूमि में ऐसे छिड़कुआ विधि से बोते हैं लाइनों में। और बहुत से किसान जो आप समतल भूमि में बो रहे हैं तो बढ़िया से जो बीज बोने वाली मशीन होती है उससे बोएं, और जो बेड बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो रहता है बेड द्वारा जो बुआई की जाती है वो ज़्यादा उपज भी देती है और उसमें जो है कम लागत भी लगती है। तो उसके लिए जो है आप सबसे पहले बेड मेकर से बढ़िया से बेड बना लें। फिर उसके बाद जो बेड से बेड की दूरी वो 2.5 फीट रखें, और जो चौड़ाई होती है बेड की वो भी 2.5 फीट रखें तथा ऊँचाई जो होती है बेड की वो 1 फुट रखें। फिर उसके बाद जो बेड होते हैं उसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है आप 8 से 10 फीट रखें, 10 और ज़्यादा जब बढ़िया उपजाऊ मिट्टी हो तो वहाँ पे 10 से 15 फीट रखें। और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 45 से 50 और कम मतलब ज़्यादा उपजाऊ भूमि अगर हो रही है आपकी तो उसमें जो है आपकी 40 से 45 रखें। इस विधि से अगर बढ़िया से बोते हैं तो आपकी अच्छी पैदावार मिलती है और जो है उचित मुनाफा भी मिलेगा। फिर इसके बाद आते हैं जो है इसमें सिंचाई। तो जो मूंगफली की खेती होती है ये जब खरीफ के मौसम में जो फसल की जाती है तो उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जब बारिश ना होने के चांसेस जब ज़्यादा हो तब आवश्यकता अनुसार आप उसमें सिंचाई करते रहें। और जो गर्मियों में इसकी खेती की जाती है तब जो है आप इसमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें, ताकि जो किसी भी फसल के लिए उचित नमी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इसलिए आप जो है बढ़िया से उचित टाइम पर पानी लगाते रहें। फिर इसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। तो किसी भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा तो बढ़िया जो होता है आपकी निराई गुड़ाई ही रहती है, और जो आप किसी कारणवश आप निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं।
तो जब आपका बीज मतलब मूंगफली हो जाए 1 से 2 हफ्ते की, तो उसमें पहली निराई गुड़ाई बढ़िया से कर दें, फिर जो दूसरी निराई गुड़ाई होती है आपकी 40 से 45 दिन का जो पौधा हो जाए तब बढ़िया कर दें। निराई गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि बढ़िया जो पौधे होते हैं उनके आसपास की मिट्टी भी पलट जाती है और खरपतवार तो नष्ट ही हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है इसकी रासायनिक जो दवाएँ होती हैं, तो जब आप बीज बोते हैं उसके 72 घंटे के अंतराल अंदर ही मतलब उसमें जो है आप पेंडी मेथिलीन या एट्राजीन आती है उसकी जो है 800 से या 1 लीटर तक की मात्रा जो है 1 एकड़ खेत में बढ़िया से स्प्रे कर दें। इससे भी जो आपके खर होते हैं ये नहीं मतलब जन्मते हैं। और फिर इसके बाद जो अगर जब उसके खड़ी फसल में जैसे हो जाए तो उसमें जो आप डाल सकते हैं जो है इमिझा थॉफर एक आती है 10 SL दवा, वो जो है 250 ml मात्रा उसकी जो है 1 एकड़ खेत में बढ़िया से स्प्रे करें। जब आपका जो मूँगफली होती है वो 35 से 40 दिन की हो जाए तब उसकी बढ़िया से स्प्रे कर दें। इससे भी जो खर होते हैं आपके समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो है कीट व रोग। तो इसमें जो रोग व कीट होते हैं, तो रोग इसका जो एक टिक्का रोग होता है मूँगफली का, बहुत ही भयानक और ज़्यादा ही फेमस रोग, इससे मूँगफली को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसमें जो होता है तना विगलन है, गेरुई मिल्ट है ये, और जो तना सड़न मतलब यही सब जो रोग होते हैं। और इसमें जो होता है आपकी मक्खी होती है, तो फल मक्खी हो गई है, और जो मतलब वाइट मक्खी है ये जो तना छेद देते हैं, और जो इल्ली होती है रेंगने वाली पत्ती पर जो पत्ते वगैरह खा जाती हैं, ये सब कीट होते हैं। तो इनके लिए वही बेसिक दवाइयाँ जो आपको हमने बता रखी है दुकान मतलब वीडियो में वही पड़ती हैं, और उनका उचित टाइम पर जो है बढ़िया से छिड़काव करते रहें 10 से 15 दिन के अंतराल पर। और जो है इसके इसमें जो टिक्का वगैरह रोग जो होते हैं तना विगलन, तो इसमें जब बीज आप बोते हैं तो बीज को उपचारित करके बोएं, तो इसके लिए आप जो झलोरा फंगीसाइड एक आती है बढ़िया सी, तो उसकी जो है 25 ml मात्रा या उससे अधिक मात्रा जो है 30 ml मात्रा तक का जो 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से बढ़िया से उसको उपचारित करें, फिर 1 से 1.5 घंटे तक बढ़िया से छांव में उसे सुखा लें। और अगर वो आपको नहीं परचेज हो पा रही तो उसके एक दूसरा भी इसका वो होता है, तो उसके लिए आप कार्वेंडा जीम आता है प्लस माइनकोजेब, उसकी जो है 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बढ़िया से उपचारित करके फिर उसे बीज को बोएं, तो ये जो टिक्का रोग है या जो आपके विगलन है तना विगलन, तो ये जो है रोग नहीं लगते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसमें कि जो है कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी होती हैं, तो इसकी कुछ गिनी चुनिंदा किस्में जो हम आप लोगों को बताएंगे जो किसानों द्वारा यूज की गई हैं और उनसे जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो इसके लिए आती है आपकी अंबर हो गई है, प्रकाश है, और GG7 है, GG20 है, और TG जो है आपकी 37 है, TG26 है, और ये जो प्रजातियाँ होती हैं बहुत ही अच्छी और बढ़िया किस्म की होती हैं, तो इन प्रजातियों को आप लगाएंगे तो आपको उचित मुनाफा भी मिलेगा। फिर इसके बाद आते हैं जो है इसमें कि कितनी लागत लगती है और कितना उत्पादन होता है, तो जो ये फसल होती है मूंगफली की जो 120 से 125 दिन में बढ़िया पककर तैयार हो जाती है, तो इसमें 1 एकड़ खेत से आपके जो है 15 से 20 क्विंटल मूंगफली प्राप्त होती है। और जो है इसमें जो बात करें लागत की, तो इसमें जो है 1 एकड़ खेत में आपके 35 से 40 हज़ार रुपये तक का जो है खर्च आता है। और आपकी जो इसमें फिर बात की जाए कि मुनाफा कितना हो सकता है, तो जो एक क्विंटल मूँगफली का जो रेट होता है वो 5500 से 6 हज़ार तक का रहता है, तो आप 6 हज़ार का मान के चलिए, इससे अधिक भी हो जाता है, तो 6 हज़ार के हिसाब से आपके खेत में 20 क्विंटल मूँगफली हो रही है, तो 1,20,000 की आपकी मूँगफली 1 एकड़ खेत से होगी, तो इस हिसाब से आपका जो मुनाफा होता है वो 80 से 70 से 80 हज़ार रुपये तक आप इस फसल से प्राप्त कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी फसल है। और इसमें जो खाद व उर्वरक होते हैं, तो इसके लिए जो है आप उर्वरक जो होते हैं रासायनिक, तो उसमें आप ये 2 बैग जो है DAP ले लें, DAP डाइअमोनियम फास्फेट जिसे बोलते हैं, वो जो है आप 100 kg ले लें, या उसे नहीं ले रहे हैं तो आप NPK जो 12-32-16 होती है उसकी जो है 100 kg मात्रा ले लें, और जो पोटास होती है वो 60 से 80 kg, MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास ले लें, और जो है आपकी सिंगल सुपर फास्फेट SSP जो होती है वो जो है 100 से 150 किलोग्राम जो है ले लें, इन सभी जो है रासायनिक खादों का। और उसमें जो आपका दीमक वगैरह लगने के चांसेज हों, तो उसमें जो वायर की जाती है रिजेंट जो होती है जो है पिपरोनिल 0.3 GR होती है, उसे जो है बढ़िया से 5 से 10 किलोग्राम ले लें, उसे खाद में बढ़िया से मिक्स करके, और खेत में जब बुआई करें उसे पहले थोड़ी खाद डाल दें खेत बनाते समय,
और जो उसकी बची हुई मात्रा जो है दो बार में डालें, एक तो आपका जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए और एक मात्रा जब आपका पौधा 40 से 45 दिन का हो जाए, तब जो है खाद डाल दें। इससे जो आपका पौधा होता है उचित विकास भी करता है और बढ़िया मुनाफा देता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी खेती की उचित देखभाल कर सकें और उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।